अभी आदत हो गया रहेगा ना, जम गया रहेगा सब। चलो करें। BRS क्या था? लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिको स्टेटमेंट में पहले तो वी आर कंसर्न्ड विद व्हाट? वी आर कंसर्न्ड विद द टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज कैश बुक एंड वन इज पासबुक। ओके, ये हमने कल भी देखा था एग्जांपल में। दिस इज योर कैश बुक। व्हिच कॉलम आर वी डीलिंग विद व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक ओवर हियर? We are dealing with only the bank column. Okay. Why only the bank column? Because those transactions which we enter in the bank column of the cash book are also entered by the bank, are also entered by the bank in the passbook. So, जो entries हम लोग cash book के bank column में करते हैं, bank भी वही entry अपनी पासबुक में करता है। बट ऑन द ऑपोजिट साइड। तो इफ यू कैन सी ओवर हियर, हमने पास किया है 2 राम, बैंक ने पास किया है बाय कैश। हमने पास किया है 2 साहिल, बैंक ने पास किया है बाय कैश। हमने पास किया है बाय मोक्ष, बैंक ने पास किया है 2 कैश। सो एवरी एंट्री दैट वी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ऑल्सो एंटर्ड बाय द बैंक बट ऑन द credit side of passbook, and every transaction that we record on the credit side of cash book is also recorded by the bank on the debit side of passbook. Why is this debit and credit opposite? You remember, why is this debit and credit opposite? Because we think from our business point of view and bank thinks from their point of view. So hamare liye bank is our debtor, बैंक के लिए वी आर लाइक अ क्रेडिटर, राइट? सो व्हेनेवर वी डेबिट बैंक, इट्स लाइक वी आर गिविंग द मनी टू द बैंक, एंड बैंक साइमल्टेनियसली विल क्रेडिट अवर अकाउंट। व्हाट इज दिस पासबुक? अवर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक, अवर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। सो वी डेबिट बैंक ओवर योर, बैंक विल क्रेडिट अवर अकाउंट। वी क्रेडिट बैंक ओवर योर, बैंक विल डेबिट अवर अकाउंट। सो ऑल, इन शॉर्ट, For every receipt, जब भी पैसा आता है, we debit the cash book, क्योंकि पैसा आया, receipt है, debit side of cash book, bank will record it on the credit side of passbook, opposite. जब भी पैसा आता है हम लोग डेबिट करते हैं, बैंक क्रेडिट करता है। जब भी पैसा जाता है हम लोग क्रेडिट करते हैं और बैंक डेबिट करता है। Is this part clear? Now, ऐसे होता रहेगा अगर हर महीने, तो दोनों बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए? अगर दोनों एंट्रीज हैं, दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो रही हैं, सो बोथ द बुक का बैलेंस शुड बी सेम, राइट? बोथ द बुक्स का बैलेंस शुड बी सेम, यस और नो? द नेचर ऑफ बैलेंस ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी डिफरेंट। 5 + 7 = 12 - 8 = 4000। द नेचर ऑफ बैलेंस इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बट द अमाउंट ऑफ बैलेंस शुड बी सेम, यस और नो? तो ये बैलेंस अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट समटाइम्स दिस बैलेंस इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट। व्हाई इट इज डिफरेंट? यू रिमेम्बर द रीजन ऑफ डिफरेंसेस? सपोज मैंने कैश बुक में 28 अप्रैल को मेरे पास कोई चेक आया, लेट अस से फ्रॉम प्रियल। आई गॉट अ चेक ऑफ 5000 फ्रॉम प्रियल। तो ऑन 28 अप्रैल आई विल रिकॉर्ड दैट इन द कैश बुक while depositing. Whenever you deposit that check in the bank, you record it in the cash book. Remember, hum log cash book karte the, check received and deposited in the bank, so bank column. So hum log same day pe bank column mein record kar dete hain, bank to Priyal is my entry. But will the check get cleared on the same day? No, it take 2-3 days, maybe more, 4-5, depending on the holidays and all. So suppose this check gets cleared in the next month. So as on 30th of April, is the balance same in both the books or different? It's different. Yes or no? एक चेक मैंने वीर को इश्यू किया, वीर को एक चेक इश्यू किया, लेटर से ऑफ 2000 रुपीज का चेक मैंने वीर को इश्यू किया है।
ऑन द एंड ऑफ अप्रैल, 30th of April, लास्ट डे मैंने चेक इश्यू कर दिया, तो कौन से बुक में एंट्री कर दूंगा मैं? कैश बुक. आई विल पास एन एंट्री इन द कैश बुक एज बाय वीर. Let us say 2000 rupees. I'll pass an entry by Veer on 30th of April. But Veer chala gaya tha out of station. Turkey ghumne nikal gaya tha. Veer aaya 15 din ke baad. Aur Veer ne bola ki main baad mein deposit karta hoon check 15 din ke baad karta hoon. Aise kitne mahino tak kar sakte ho aap? 3 months. 3 months tak kar sakte ho. So, Veer ne 15 days ke baad dala hoga bank mein. Aur Veer ka check clear hote hote 18th April. 18th of May ho gaya. तो फिर विल दैट एंट्री कम इन द पासबुक इन द मंथ ऑफ अप्रैल? नो चांस. बट इन द मंथ ऑफ मे इट विल कम इन द मंथ ऑफ मे. अगेन द बैलेंस एज पर बोथ द बुक्स इज डिफरेंट. यस और नो? एक और एग्जांपल हमने देखा था, बैंक को हमने इंस्ट्रक्ट किया था टू पे आर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टू पे आर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. तो बैंक ने याद से 30th ऑफ अप्रैल को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो कौन से बुक में एंट्री आई है? पासबुक में आ गई है. बैंक ने एकदम ध्यान से 30th ऑफ अप्रैल को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया है. बैंक ने यहाँ पे लिख दिया होगा टू कैश चला गया और हमारे बिहाफ पे पे किया है. समझो लेटर से 1000 रुपीस का इलेक्ट्रिसिटी बिल था. बैंक हैज पेड दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1000. बट हम भूल गए. हमने बोला था बैंक को कि भैया पे कर देना 30th अप्रैल को, हमें करनी थी एंट्री. In the cash book, we were supposed to pass that entry, but we forgot. So, as on 30th April, do you find any entry for electricity bill payment in the cash book? No. Again, a point of difference between the balance. Yes. So, due to this thing, ek Priyal ka check, ek Veer ka check, aur ek electricity bill ka payment, is my balance same in both the books? No, it is different, right? What is the balance? Let us calculate what is the balance as per cash book now. As on 30th of April, what is the balance? What is the balance as per cash book? 5 plus 7, 12 plus 5, 17. Here it is total of 17 minus 10. I think my cash book is having a debit balance in the bank column. Debit balance of 7,000, yes or no? Correct? What is the balance as per passbook to balance CD as on 30th of April? Is it same? Not at all. Here the total is 12 minus 9. The balance is 3000, correct? It is the credit balance, but the balance is 3000. And here we are having a debit balance of 7. Are they both same? No, they are different. So as a businessman, you will look at your cash book and you will look at your passbook at the end of every month. You will look at your cash book, you look at your passbook, and you will compare. What two things will compare? The bank column of the cash book with the passbook. You'll compare those two columns. You will see the balance. Are they same? No, they are not same. They are different. Should they be same? Yes. Ideally, should be same. But here they are different. So why they are different? प्रैक्टिकली ये दोनों चीजें आपके सामने होती हैं. कैश बुक आपके सामने होता है, पासबुक आपके सामने होता है. आपको जानना है कि ये अलग क्यों है, तो आप ऑब्वियसली कौन से आइटम्स पे ध्यान दोगे? दोज आइटम्स विच आर कॉमन और दोज आइटम्स विच आर डिफरेंट. इन बोथ डिफरेंट, क्योंकि ये देखो, ये राम का 5000 क्लियर हो चुका है डिपॉजिटेड. ये मोक्ष का 8000 क्लियर हो चुका है. ये साहिल का 7000 क्लियर हो चुका है. ये तो सेम ही है, इनके वजह से तो बैलेंस सेम ही होने वाला है. कोई झंझट ही नहीं है. प्रॉब्लम कब आएगी? जब एक बुक में अमाउंट है लेकिन दूसरे बुक में अमाउंट नहीं है. तो व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस ओवर हियर? ये प्रियल वाला चेक इज अ रीजन. कैश वाला ये अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला पार्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बैंक ने पे किया था, और ये वीर वाला पार्ट, ये तीन रीजन ऑफ डिफरेंस है. तो अब मुझे मिल गए ये तीन रीजन ऑफ डिफरेंस. हाँ, मैं देखूंगा ये 5 इधर है, इधर नहीं है. ये 2 कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है. ये 1 पासबुक में, कैश बुक में नहीं है. बस यही मेरे रीजन ऑफ डिफरेंस है. अब तो बैलेंस टैली हो रहा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 क्यों है मुझे पता चल गया. तो प्रैक्टिकली इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट the reasons of difference. You have to just look and determine the different item. This is the practical method. Jisko extract method kaha jata hai. Extract method. Okay.
But in the syllabus, you don't have this extract method in detail. You have just a small part of that intro part. Majority of your sums, usme kaise denge aapko? Majority of your problems which you are going to solve in the theory part, usme kya karenge? Aapko ye reason of difference de denge. They will give you the reason of difference and they will give you the balance either of cash book or of passbook. दोनों में से एक बुक का बैलेंस दे देंगे. सुन रहे हो? क्या देंगे आपको? रीजन ऑफ डिफरेंस दे देंगे और दोनों में से एक बुक का बैलेंस दे देंगे, या तो कैश बुक का दे देंगे या तो पास बुक का दे देंगे. अगर कैश बुक का बैलेंस दे दिया, समझो 7000 दे दिया, तो बोलेंगे ढूंढो पास बुक का कितना है, आप ही ढूंढो, रीजन ऑफ डिफरेंस दे देंगे. पास बुक का बैलेंस दिया है 3000, तो बोलेंगे कैश बुक का बैलेंस कितना है वो ढूंढिए. तो कैसे ढूंढना है? देखो यही चीज मैं करके बता रहा हूं थ्योरिटिकल प्रॉब्लम के साथ. थ्योरिटिकल पार्ट में क्या होगा? कुछ ऐसे होगा. आपको समझो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 7000, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. ओके, द स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक का बैलेंस. तो बैंक एज फॉर कैश बुक 7000, हमारे वाले एग्जाम्पल में 7000 दिया हुआ है आपको. तो कैन यू टेल मी आफ्टर आई एडजस्ट द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस व्हाट शुड आई गेट माय बैलेंस ऑफ पासबुक? यू नो द आंसर एज ऑफ नाउ. 3000. इट शुड बी 3000, राइट? हियर यू नो बिकॉज इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू, बट इन द एक्चुअल सम्स दे वोंट गिव यू. ओके, आई विल फाइंड आउट. हाउ विल यू फाइंड आउट? द फर्स्ट रीजन आई विल सी प्रियल का चेक. ये रीजन दिया हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर. Check deposited but not yet clear. So how to think about it? Imagine both the books. This is cash book. This is pass. The same thing, I'll show it to you in the form of blanks. This is blank. This is cash book. This is pass book. Okay. The right part, the right hand side is the cash book. The left hand side is the pass book. Why? Because I'm moving from cash book to passbook. Cash book to passbook. Cash book ka starting point ka balance diya hai. Wahan se main passbook ka balance dhoond raha hu. So my right-hand side would be always cash book. The left-hand side would be always passbook. Can you see that on your screen? Similar to my hands, this is the cash book. This is the passbook. Okay. Imagine dono ka balance 1 lakh rupees tha. Any random figure you can take of your choice. दोनों का बैलेंस 1 lakh. फिर क्या हुआ? प्रियल का चेक आया. कौन से बुक में एंटर हुआ प्रियल का चेक? कैश बुक में. चेक डिपॉजिट कर दिया है तो कैश बुक में एंट्री आ चुकी है. तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा होगा कि घटा होगा? इंक्रीज हुआ होगा. कैश बुक बैलेंस इज नाउ 1,07,000. यस और नो? अग्री. बट the passbook balance is still same at 1 lakh. So can I say due to this Priyal's check, the cash book balance is more than the passbook balance by 7000? Due to this Priyal's check, cash book balance is more than the passbook balance by 7000? Yes or no? 5000. The amount was 5000 Priyal's check. So due to this balance, this is 1 lakh ka 1 lakh 5, and this is 1 lakh. So it is more by 5000. Real ka check ke wajah se 5000 zyada hai. So if it was 1 lakh, 1 lakh, now it has become 1 lakh 5 and 1 lakh. Suppose both were 50-50. So this has become 55 and this is 50. Suppose both were 40,000. This has become 45,000 and this is still at 40. So can I say passbook is less by 5? So now if I tell you the balance as per cash book is 7. ये आफ्टर डिपॉजिटिंग द चेक 7 है, तो ये कितना है? 2000 होगा, 5000 लेस होगा. यही चीज मैं यहां पे एरो के फॉर्म में दिखाऊंगा. प्रियल का चेक आया तो कैश बुक बैलेंस वेंट अप बाय 5000. कैश बुक बैलेंस वेंट अप बाय 5000. व्हाई इट वेंट अप? दिस हैंड वेंट अप, द बैलेंस वेंट अप. So that arrow, vertical arrow went up. That vertical arrow is showing my hand. I cannot draw hand over there. So I'm showing you via blank. Barabar hai? Jo mera haath tha, jo balance bada, wo wahan pe vertical arrow dikh raha hai aapko, balance bada.
And what about passbook? Passbook is flat, no change because the check is not yet cleared. What if the check was cleared in the same month? The balance would increase, and then would there be any difference in the balance? No. But here there is cash book went up, like in passbook remained flat. Are you able to visualize that? So now what happens? I'm supposed to subtract that 5,000 or I'm supposed to add that 5,000. Cash book ka balance is more than the passbook. Mereko cash book se passbook pe jana hai. To plus ka. तो यही हम लोग यहाँ पे एरो फॉर्म में करते हैं. एरो फॉर्म में क्या करते हैं, इफ द एरो, ये लेफ्ट टू राइट वाला एरो, लेफ्ट टू राइट वाला एरो अगर डाउनवर्ड जा रहा है, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने का, लेफ्ट टू राइट वाला एरो अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो यू सब्ट्रैक्ट, और लेफ्ट टू राइट वाला एरो अगर अपवर्ड जा रहा है तो यू एड. सिंपल सा शॉर्टकट है, वही आपको हैंड जेस्टर से मैं वापस बताता हूँ. देखो दोनों 1 लाख थे, प्रियल का चेक आया, कैश बुक 1,05,000 हो गया. अभी कैश बुक टू पासबुक जाना है, डाउनवर्ड जा रहे हो तो माइनस. समझ आई? एक और एग्जांपल लो, दूसरा चेक वीर का चेक इश्यू कर दिया था, मतलब मैंने दे दिया था. ओके, इमेजिन एक ही वीर का चेक है, बाकी सब डिफरेंसेस भूल जाओ, दोनों का बैलेंस सेम था इससे पहले 1,01,00,000. अभी वीर का चेक आपने इश्यू किया. ओके, तो कौन से बुक में एंट्री आया है, कैश बुक में या पासबुक? कैश बुक. अब ये चेक डिपॉजिटेड है कि इश्यूड है, पैसा आया है कि गया है? इश्यूड. गया है. तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होएगा? कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि चेक इश्यू किया है. तो 1,00,000 का बैलेंस जो था वो अभी 98,000 हो जाएगा कैश बुक का, क्योंकि ये एंट्री कैश बुक में आ चुकी है, ये 98 हो जाएगा. क्या ये चेक क्लियर हो गया है अप्रैल के महीने में? नहीं. नहीं हुआ है. तो क्या ये एंट्री पासबुक में आई है? नहीं. तो पासबुक इज स्टिल एट 1,00,000. सो इफ आई टेल यू के दिस इज 98, देन व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पासबुक? दिस विल बी 1,00,000. If this is 48, this will be 50. If this is 38, this will be 40. If this is 7, this should be 9. Ultimately, it will be 2,000 more, right? Because 2,000 rupiah yahan se nahi gaya. Passbook se nahi gaya. Are you understanding? So what should I do? I have this. I know this. This is 7. So if I add 2,000, I will arrive at the balance of passbook. Are you getting this? क्यों ऐसे ऐड कर रहा हूं? क्योंकि यहां से पैसे जा चुके हैं, यहां से नहीं गए, यहां से कैश बुक से जा चुके हैं, पासबुक से नहीं गए. तो अगर ऐड करूंगा तो पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा. ऐसे हर एक चीज को आइसोलेशन में देखो, एक एक करके देखो, फाइनली अपने आप पूरा आंसर आ जाएगा 3,000 का. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये कैश बुक, ये पासबुक, दोनों फ्लैट थे, दोनों 1,00,000 पे थे. कैश बुक से पैसा गया तो वर्टिकल एरो गोज डाउन बाय 2,000, ये नीचे गया. एंड वापस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में क्या कर रहा हूं, अभी अपवर्ड्स जा रहा हूं. ये फ्लैट है ना पासबुक, कैशबुक नीचे गया, दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं. सो इफ आई एम गोइंग अपवर्ड्स, व्हाट एम आई सपोज टू डू? योर एड 2,000. योर आई वेंट डाउनवर्ड्स, कैन यू सी दैट? डाउनवर्ड्स, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, यू सब्ट्रैक्ट. लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, यू एड. वन मोर एग्जाम्पल, थर्ड वन, electricity bill. Both the books were on 1,00,000. Both the books were on 1,00,000. Bank ने electricity bill pay किया है. तो कौन से book में entry आया होगा? Passbook में आया होगा. और payment है, याद रखना. तो पैसा आया कि गया? गया. तो passbook का balance decreases or increases? Decreases. Passbook का balance decreases by how much? 1,000. Yeah. Agree? So this is now on 1,00,000 and this is now on 99,000. Agree? Yes. The cash book is on 1,00,000. This is on 99,000. What if I tell you the cash book is on 50,000? This is on 49,000. What if the cash book is on 10? This is on 9. What if the cash book is on 7? This is on 6. So basically 1,000 less. So what you will do to the cash book balance, plus 1 or minus 1 to arrive at the
माइनस वन. वाई माइनस वन सिंपल सा लॉजिक है, दोनों सेम थे, यहां से पैसा जा चुका है यहां से नहीं गया. कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है पासबुक का कम है, ज्यादा है कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस कम है. तो कैशबुक से पासबुक पे अराइव करना है तो माइनस करूंगा मैं, कितना माइनस करूंगा 1000 माइनस करूंगा. सेम थिंग लुक इन द फॉर्म ऑफ एरो, दिस रिप्रेजेंट्स योर कैशबुक, दिस रिप्रेजेंट्स योर पासबुक. The left part represents your cash book, the right part represents your past book. कौन से book में entry आई थी 1000 के electricity bill की? Passbook में पैसा आया था कि गया था? गया था. तो ये vertical arrow जाएगा नीचे. Vertical arrow denotes पैसा आया कि गया. और कौन से book में? Passbook में. पहले दो entries cash book में हुए थे तो मैंने cash book में vertical arrow दिखाया था, याद है? डिपॉजिटेड प्रियल वाला चेक कैश बुक में बढ़ गया था, वीर वाला चेक इश्यू किया था तो कैश बुक से कम हो गया था. अभी पास बुक में एंट्री हुई है तो पास बुक में दिखा रहा हूँ, पैसे जा रहे हैं तो एरो गोज डाउन वर्टिकली. एंड कैश बुक में क्या ये एंट्री आई है? नहीं आई है. तो कैश बुक इज फ्लैट. जॉइन दीज टू पॉइंट्स, ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेवर गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. राइट टू लेफ्ट चले गए तो सब भोपड़ा, कुछ मतलब नहीं है. लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहे हो या लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहे हो वही देखना. तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आप क्या जा रहे हो? डाउनवर्ड जा रहे हो. तो कर दो माइनस 1000, कर दो माइनस 1000 और आपको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली आपका आंसर होना चाहिए पासबुक का बैलेंस कितना होना चाहिए, चेक कर लो. 7000 माइनस 5 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3000. 3000 आ गया आपको आंसर. ये 3000 दिख रहा है आपको यहाँ पे 3000, यही चीज हमने की है, खाली प्लस माइनस कर. फाइनल आंसर आपके सामने था इसलिए आपने गैस मार लिया 3000. यही चीज आपको क्वेश्चन में नहीं देंगे, दूसरे बुक का बैलेंस नहीं देंगे. तो आपको ये एरोस करके ढूंढना है व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर द अदर बुक. एरोस तो क्या एक मेथड है, एक ट्रिक है, बाकी तो इट्स प्योरली लॉजिकल. लॉजिकली कैसे सोचने का, क्या ये पैसा कैश बुक में आया है? अगर ये पैसा कैश बुक में आया तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा. कोई पैसा कैश बुक में आया है, डिपॉजिट किया है चेक, तो कैश बुक में आया है, कैश बुक में यू हैव रिसीव 5000, पासबुक में रिसीव ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली कैश बुक बैलेंस वुड बी मोर देन द पासबुक ना, तो माइनस करो. If a money has gone out of cash book, some money has gone out of cash book balance would be less than the passbook. So you add to arrive at the balance of passbook. If some money has gone out of passbook, passbook से पैसे गए हैं तो passbook balance कम होगा, cash book ज्यादा होगा. Again, cash book to passbook जाना है तो minus करो. If some money has been received in the passbook, the bank has received some money in the passbook. तो पासबुक बढ़ गया होगा बैलेंस में, कैशबुक इज लेस, पासबुक इज मोर. सो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम कैशबुक टू पासबुक यू ऐड दैट अमाउंट, यू विल अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक. ये सुनो, सिंपल सा कॉमन सेंस है. जिस बुक में पैसा आया है वो बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो दूसरे बुक पे जाना है तो माइनस करो. जिस बुक में गया है वो बुक का बैलेंस कम है, तो दूसरे बुक के साथ कंपेयर करो, अगर वो ज्यादा है तो माइनस, अगर वो कम है तो ऐड. You just analyze every entry. कौन से बुक में पैसा आया है या गया है? पैसा आया है या गया है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो बैलेंस ज्यादा होगा कि कम होगा. ज्यादा है कैश बुक का ज्यादा है, पासबुक का कम है माइनस, कैश बुक का कम है पासबुक का ज्यादा है प्लस. ये हम कहां से कहां गए? कैश बुक से पासबुक पे गए. What if they give you the balance as per passbook as the starting point? तो पूरा क्या करोगे आप? उल्टा. राइट टू लेफ्ट नहीं जाना है, जाना लेफ्ट टू राइट. हाँ, तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे, आप बना दोगे पासबुक टू कैश बुक, ऐसे कर दोगे. यू गो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट. ओके, वो भी हम लोग करेंगे, बट तरीका समझा कैसे करना है और क्या करना है? प्रैक्टिकली तो बहुत सिंपल है, यू जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंट आइटम्स. थियोरिटिकली यू विल बी गिवन वन बैलेंस एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द अदर वन. आई विल टेक द प्रॉब्लम नाउ. विद प्रॉब्लम आई विल एक्सप्लेन अगेन द सेम कंसेप्ट. देखो,
take out. This won't take so much time. ये आपको नया नया लग रहा है. Once you get a knack of it, you will be able to solve 10 transactions in 5 minutes. It's that simple. See, I want you all to take some number. Some number 10. नया नया है ना, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है. सम नंबर 10, BRS. द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000 एज ऑन 31st October 2011. बैंक कॉलम का ही बात करेंगे, कभी कैश कॉलम का बात करने वाले नहीं है. पेज नंबर क्या है जरा प्लीज बोलोगे, इधर पीडीएफ में नहीं है. 66. 66. 66. 10th sum. The bank column of the cash book showed a debit balance of 49,000. Can you see that? So I'll write your debit balance. Ya fir isko bank balance bhi kaha jata hai. Aapne cash book dekha hai. Debit side is greater than credit side. Debit balance as per cash book, that is 49,000. Okay. अभी आपको दिया गया है ये 31st अक्टूबर का, तो वी आर डीलिंग विद द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर के ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं. व्हाइल कंपेयरिंग द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस, द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस्ड. प्रैक्टिकली वी फाइंड आउट द डिफरेंसेस. थ्योरी में आपको डिफरेंसेस प्लेट में सर्व करके दे देते हैं, आपको खाली प्लस या माइनस बोलना है. तो डिफरेंसेस दे दिए हैं, तो अभी आपको कैश बुक का बैलेंस दे दिया है और आपको पासबुक का बैलेंस ढूंढना है. So you move from cash book to passbook, am I right? You move from cash book to passbook, and this is called as a normal balance. Why normal balance? This is bank balance. You know what is bank balance and bank overdraft? Overdraft is a kind of loan in current account. Ulta. When we have credit balance in the bank, it becomes an overdraft. Okay. So that time the rule will change slightly. Why it will change, when it will change, how it will change, I'll explain everything. Filhal it is normal. So you write on top normal. Cash book to pass book with a normal balance. पहले हम लोग normal के साथ ही सीखेंगे सब. After writers. Yes. So we don't have to draw any table or. We will. So how many pages to leave? Single side. पहले वाले. No, मेरे को पहले वाले chapters. How many pages to leave? New book. Or else, if you are not having the new book, then write ulta. Last page se chalo. Okay. Final account ke beech mein mat ghusa dena, sab bill puri ho jayega. Final account mein kuch chhedkani mat karo. Acche se maintain karo book ko. 12th mein bhi kaam aayega. So, we are moving from cash book to pass book. Okay? This is my cash book. Ye cash book ka haath, ye pass book ka haath. Ye mera haath hai. ओके okay? और ये पासबुक का हाथ है. ठीक है, ये हाथ के जगह मैंने ये बनाया हुआ है. ड्रॉइंग इज थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ओके, सो दिस इज कैश बुक का हाथ एंड दिस इज पासबुक का हाथ. ओके, फर्स्ट वन, चेक्स ऑफ 9,000 एंड 15,000 वेर डिपॉजिटेड बट वेर नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31st of October. पहले तो आराम से सोचो ये ट्रांजेक्शन कब हो चुके हैं. They have happened in the month of October. So October 29 or 30th of October, there were two checks, one of 9, one of 15, total 24. You deposited them, but they haven't been yet cleared by the bank. So can you tell me you have passed the entry, but in which book? Cash book. Aur paisa aaya hai ki gaya hai? Aaya. Aaya hai. कहना है से कैश बुक में पैसा आया तो वर्टिकल एरो गोज अप बाय 24,000. पैसा आया, दोनों 1 lakh थे, कैश बुक में आया, कैश बुक 124 हो गया अभी. बट हैज दिस एंट्री अपियर्ड इन पासबुक येट? नो. सो पासबुक इज स्टिल फ्लैट बेचारा. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बैलेंस ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन?
इस पर्टिकुलर आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन को अगर आप देखोगे, अलग से देखो इसको 24,000 के चेक को, इसके वजह से कितने का गैप हो गया होगा दोनों के बैलेंस? 24 का गैप हो गया होगा. और कौन से बुक में ज्यादा होगा? कैश बुक में ज्यादा होगा. पासबुक में कम होगा? कैश बुक में ज्यादा होगा. पासबुक में कम होगा? कैश बुक में ज्यादा है, पासबुक में कम है. हमें कैश बुक से पासबुक का बैलेंस ढूंढना है. तो कैश बुक का अगर 124 है तो पासबुक का 1 लाख है. कैश बुक का अगर 54 है तो पासबुक का 30 है, माइनस 24. तो कैश बुक का अगर 49 है तो पासबुक का कितना है? 25. माइनस 24. तो प्लस करना है कि माइनस? माइनस. माइंड यू ये 49 के अंदर वो 24 पड़ा है. 49 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मंथ. 49 कब बना? 24 आने के बाद. ऐसे सोचो दोनों 25,000 थे, बोथ द बैलेंस वर 25,25. देन एक चेक आया 24,000 का, तो कैश बुक सबसे बन गया 49, विच इज द क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ. बट पासबुक बना है 49. पासबुक कब बनता? 49 इन द पासबुक इन द नेक्स्ट मंथ, इन द सेम मंथ. भाई नेक्स्ट मंथ, अगर अभी नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, लेकिन अगर सेम मंथ में हो जाता तो दोनों 49 हो जाता ना. लेकिन यहाँ पे बैंक में वो 24 दिखाई नहीं दे रहा है. तो कैश बुक अगर 49 पे है, लेकिन पासबुक कितने पे? इज इट स्टिल ऑन 49? नो, इट इज ऑन 25 ओनली. Are you getting that? That is what we are trying to find out. What is the balance of passbook compared to cash book? Is it 24,000 more or 24,000 less? Yes. So what are we going to do? Ye mechanical rule hai. Left to right. Ye do points ko connect karna hai. Ye do points ko connect karo. Left to right. Ye flat hai. Ye upar gaya. In do ko connect karo. To kya milega? Minus 24. पहला वाला समझा. कैश बुक का बैलेंस इज मोर देन द पासबुक बाय 24,000, सो मैंने माइनस किया. सी द सेकंड वन. आवर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 8,000 इनटू बैंक अकाउंट एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक. एक डेटर था, एक कस्टमर था, जिसने बैंक में डायरेक्टली 8,000 रुपए डाल दिए. तो सोचो कौन से बुक में एंट्री आया होगा? पासबुक. पासबुक में दोनों 1 लाख 1 लाख है. कस्टमर ने कितना डाला? 8,000. तो कौन से बुक में एंट्री आया? पासबुक की कैश बुक? विच बुक? पासबुक. अप और डाउन? डाउन. पासबुक पे गो अप. आराम से. दोनों बुक फ्लैट है, 1 लाख 1 लाख. पासबुक में पैसा आया तो पासबुक वेंट अप. पासबुक का बैलेंस कितना हो गया? 1,08,000. कैश बुक का बैलेंस कितना? 1 लाख. सो 1 लाख ओनली. 1 लाख से 1,08,000 पे जाना है तो क्या करोगे? 1 लाख से 1,08,000 पे जाना है तो क्या करोगे? प्लस करोगे. तो यहाँ पे 49 है, 49 से पासबुक पे जाना है तो क्या करोगे? प्लस 8 करोगे. क्यों? समझा? यहाँ पे 49 का 49 ही रह गया और वो 8,000 बढ़ गया होगा, क्योंकि वहां पे वो पैसे आ चुके हैं. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर पासबुक में आ चुके हैं. यही चीज एरो में दिखानी है. ध्यान से देखो, पैसे कौन से बुक में आए हैं? पासबुक में आए हैं. तो पासबुक गोज अप बाय 8,000. कैन यू सी दैट? पैसा आया, पासबुक गोज अप. यू आर मूविंग फ्रॉम व्हाट? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट. अपवर्ड जा रहे हो कि डाउनवर्ड? लेफ्ट टू राइट. अपवर्ड जा रहे हो तो प्लस, डाउनवर्ड जा रहे हो तो माइनस. अपवर्ड जा रहे हो तो प्लस, डाउनवर्ड जा रहे हो तो माइनस. यहाँ पे अपवर्ड जा रहे हो तो प्लस 8. आपको लॉजिकली भी यही आंसर आया था. Why logically you got the same answer? Think na. Dono book same tha. Passbook mein paisa aa gaya. To passbook ka balance is obviously more than the cash book. Yes? To agar cash book ka maloom hai aur passbook pe jana hai to plus karna padega. Kyunki passbook ka zyada hai due to this transaction. पहले वाले ट्रांजैक्शन में पासबुक का कम था तो हमने माइनस किया. दूसरे वाले में पासबुक का ज्यादा है तो हमने प्लस किया. गेटिंग दिस? तीसरा वाला देखो. तीसरा वाले में क्या हुआ है? बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट.
What do you mean by bank credited interest on investment? Is it an income or an expense? पैसा आया या पैसा गया? Interest received. Interest received. तो कौन से book में entry आया होगा? Passbook. Passbook में आया होगा. This is cash book. This is passbook. पैसा आया कि गया? आया. आया. तो passbook goes upward. It is income. Sorry. How do we know it is income? Bank credited interest on investment. When does bank credit? What do you mean by bank credited? Bank ne credit kiya. Debit bank. Credited our bank gave us. Bank credited our account. Yes. So when does bank credit something in our account? That is cash to our account. So cash. Whenever we receive anything, right? When bank credits, we debit. तो हम लोग bank to interest मारेंगे और bank उधर credit side पर record करेगा अपने account. So confused मत होना. देखो हम लोग कुछ भी debit करते हैं तो पैसा आता है. Cash book में कुछ भी debit होता है तो पैसा आता है. Credit होता है तो पैसा जाता है. Debit is receipt, credit is payment for us. Bank में opposite है. Bank कुछ भी credit करता है ना तो पैसा आता है. आया. अपना मम्मी पापा का पासबुक रोज देखने का और जो जो क्रेडिट है देख के खुश होने का, बोलने का इतना पैसा आया. और डेबिट हुआ मतलब पैसा गया. वो देख के दुखी होने का, बोलने का खर्चा कम करो, सेविंग करो. ओके, तो डेबिट हुआ मतलब पैसा गया. इज दिस क्लियर? तो बैंक क्रेडिट्स एनीथिंग मतलब पैसा आया. बैंक डेबिट्स एनीथिंग मतलब पैसा गया. सॉर्टेड? सो वी हैव डन द जर्नल आल्सो, राइट? During journal. Yes, during journal. I told you that. बाद में debit credit cash book के वक्त भी किया था. Cash book में कभी कभी आता था, पता है, transaction में bank debited bank charges या bank debited interest या bank credited interest. Always bank के point of view से ध्यान रखना, यहाँ पे opposite है. अब बोलो passbook में क्या करो? ऊपर vertical arrow के नीचे 500. Increase 500. पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, अमीर हो गया पासबुक. कैशबुक बेचारा गरीब, उधर का उधर ही है. तो कैशबुक से पासबुक पे जाना है, प्लस करोगे कि माइनस? प्लस. क्यों प्लस? ये दिख रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट द एरो इज मूविंग अपवर्ड्स. कैन यू सी दैट? सो प्लस. हाउ मच प्लस? 500. यही चीज है जो मैं बता रहा हूं. बैलेंस ज्यादा है तो प्लस, बैलेंस कम है तो माइनस. कंपेरेटिव पासबुक का बैलेंस अगर ज्यादा है कैशबुक से तो प्लस, कम है तो माइनस. वही देख रहा हूं बेटा. थोड़ा थोड़ा बैठ रहा. नेक्स्ट वाला देखो. चेक ऑफ 10,000 इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक. ये अपना वीर वाला केस. वीर को मैंने चेक इश्यू किया था, ऐसे मैंने चेक यहाँ पे इश्यू किया हुआ है, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ. देखो ये टर्म्स घड़ी घड़ी आएंगे. चेक डिपॉजिटेड but not collected and check issued but not presented. Check deposited मतलब हमने deposit कर लिया है, bank ने clear नहीं किया, not collected. Check issued मतलब हमने दे दिया है लेकिन सामने वाले party ने present नहीं किया. Present करने का मतलब उसने deposit नहीं किया अभी तक bank. तो तुमको ऐसा नहीं देगा कि check issued but not deposited. This is not possible. It will be check issued but not presented for payment and check deposited बट नॉट कलेक्टेड. ये टर्म्स यूज होते हैं. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, नॉट क्रेडिटेड. एंड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. नॉट प्रेजेंटेड मतलब सामने वाले पार्टी ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया. तो चेक इश्यू कौन से बुक में एंट्री आया होगा? सोचो जरा, सोचो. हमने चेक फाड़ा है और किसी को दिया है तो हम कौन पहले एंट्री करेगा? हम करेंगे कि बैंक? हम करेंगे. बैंक कब करेगा पासबुक में इस चीज की एंट्री? जब उसका क्लियर होगा तब. क्लियरिंग हाउस से 10-12 दिन बाद जब भी प्रेजेंट हुआ, क्लियरिंग हाउस से क्लियर हुआ, तब एंट्री आएगी पासबुक. तो सोचो कौन से बुक में एंट्री आया है? कैश बुक की पासबुक. चेक इश्यूड. इश्यूड मतलब चेक दिया. कैश बुक. पैसा आया कि गया? गया. आया कि गया? गया. कितना गया? 6,000. तो ये वर्टिकल एरो गोज डाउन. दोनों बुक 1 lakh 1 lakh थे. कभी भी नहीं 10,000 है क्या? दोनों बुक 1 lakh 1 lakh थे और 10,000 का चेक इश्यू किया तो क्या हुआ? कैश बुक का बैलेंस कम हो गया ना. कैश बुक से पैसा चला गया. क्या ये पैसा पासबुक से गया है अभी तक?
तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। कैशबुक के कंपैरिजन में पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा ना? हाँ। कि कम होगा? ज्यादा होगा। पक्का? गया ही नहीं है, पैसे गए ही नहीं है। तो ये अगर 1 लाख है तो ये 1,10,000 है, या फिर ये 90 है तो ये 1 लाख है। कैशबुक इज एट 90, पासबुक इज एट 1 लाख, दोनों 1 लाख 1 लाख पे थे। कैशबुक से 10,000 चले गए तो ये 90 हो गया, ये 1 लाख पे, ये 40 पे तो ये 50 पे, ये 60 पे तो ये 70 पे, ये 80 पे तो ये 90 पे। अल्टीमेटली 10,000 ज्यादा ही है ना, तो क्या करोगे? कैशबुक टू पासबुक जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना, दो पॉइंट को कनेक्ट करना, एरो इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड्स। तो प्लस 10,000, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आर वी मेकिंग एनी चेंजेस इन द कैशबुक और इन द पासबुक? आर वी पासिंग एनी जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग राइट नाउ? नो। व्हाट इज दिस? Just balancing the amount. मतलब मैं कैशबुक में I'm change, making the changes, right? Yes. This is the list no, we are to finding find out the passbook reasons why. I'm not touching the cashbook at all. I'm not checking the difference between the two. But ये plus minus आप cashbook के अंदर नहीं कर रहे हो, ये समझ में आया ना? Cashbook अलग पड़ी है अपने जगह पे, okay? खाने के अंदर। Passbook अलग पड़ी है drawer के अंदर, दोनों अलग पड़ी है। हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, खाली दोनों को देख देख, दोनों को देख देख के एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। उस स्टेटमेंट में हम लोग एक रफ लिस्ट रेडी कर रहे हैं, रफ लिस्ट, कि भैया ये बैलेंस अलग क्यों है, ये रीजन ऑफ डिफरेंस है, ये प्लस माइनस कर रहे हो, टैली हो रहा है क्या? अगर ये टैली नहीं हो रहा है पासबुक से, मतलब खुद तो झोल है, खुद तो झोल झपाटा है, नौकर ने कुछ कैश निकाला है, बैंक में डाला नहीं है, या वॉट एवर इज द केस, ओके? तो ये बैलेंस टैली करना है अपने को। खाली टैली करने के लिए हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, तो याद रखना इसका चेंजेस कैशबुक में भी नहीं है, पासबुक में भी नहीं है। एक रफ लिस्ट है जो दोनों के बैलेंस को दिखा रही है और दोनों के रीजन ऑफ डिफरेंस को बता रही है। बात समझ आई? सो 10,000 हमने कैशबुक के बैलेंस को एड कर लिया। उसके बाद लास्ट वाला देखो, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। अभी अभी बोला बैंक कुछ डेबिट करता है, मतलब पैसा आया कि गया? So there is a fifth one. ये तो है ना। अरे बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 बट नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। बोलो कौन से बुक में एंट्री आई है? पासबुक में आई है। पैसा आया कि गया? गया। गया तो पासबुक ऊपर के नीचे 6,000 से नीचे पैसा गया। अब सोचने का, कैशबुक पासबुक दोनों सेम थे, पासबुक से पैसा गया तो कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा होगा कि कम होगा? कैशबुक ज्यादा होगा, पासबुक कम है। हमें कैशबुक के कंपैरिजन में पासबुक को ढूंढना है, तो प्लस करना है कि माइनस? सोचो आराम से। माइनस करना है, माइनस करना है ना? किसी को लग रहा है प्लस करना है? पक्का? कैशबुक पासबुक, पासबुक से पैसा जा चुका है, बेचारा गरीब हो चुका है, हम लोग अमीर है, अमीर से गरीब जाना है तो माइनस करने का, बराबर? गरीब से अमीर जाने का तो प्लस, अमीर से गरीब होना है तो माइनस। इधर माइनस डाउनवर्ड जा रहा है, कितना माइनस करोगे? 6,000 माइनस करोगे तो आपको पासबुक का बैलेंस पता चल जाएगा कितना है। ये मैं एक एक एंट्री आइसोलेशन में ले रहा हूँ, जब हम सभी एंट्रीज को एक साथ देखेंगे तो फाइनल आंसर टैली हो जाएगा पासबुक बैलेंस के साथ। ऊपर वाला एग्जांपल में जैसे मैंने बताया था, तीन एंट्रीज लेके लास्ट वाला बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। सोचो कौन से बुक में एंट्री आया है? पासबुक में आया है। पैसा आया कि गया? गया। कैसा मालूम पड़ा? गया बैंक ने डेबिट किया। बैंक डेबिट किया मतलब पैसा गया, राइट? बैंक डेबिट किया तो पैसा गया। मम्मी पापा का पासबुक देखेंगे और जो जो डेबिट किया बोलने का, खर्चा कम करो, ये पैसे जा रहे हैं। तो एरो मूव्स अप और डाउन? डाउन। कितने से? 100 रुपीज से जा रहे हैं। व्हाट अबाउट कैशबुक? कैशबुक से गए हैं ये पैसे? नहीं, कैशबुक से गए ही नहीं है। तो कैशबुक का बैलेंस पासबुक से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। ज्यादा, तो ज्यादा से कम पे जाना है अपने को, तो क्या करोगे? प्लस की माइनस? माइनस करोगे कि प्लस करोगे? माइनस। माइनस। माइनस।
इसका ट्रिक यही है जो जो मैं एरोस बता रहा हूँ उसका ट्रिक बड़ा ही सिंपल है. लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर अपवर्ड जा रहे हो तो प्लस, और लेफ्ट टू राइट अगर डाउनवर्ड जा रहे हो तो माइनस. लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहे हो तो प्लस, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहे हो तो माइनस. इज दिस क्लियर? 37,400 कर भी लिया. कैसे ढूंढना है पासबुक का बैलेंस? 49,000 माइनस 24,000 प्लस 8 33,500 बताया ना, 37,400. What is this 37,400? पासबुक बैलेंस जो ये शानों ने अपने को नहीं दिया लेकिन प्रैक्टिकली अपने सामने होता है 100% होता है. प्लस माइनस करके टैली कर सकते हो दो मिनट में. तो ये हो गया आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. ओके, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. गॉट इट? ये है आपका वर्किंग नोट. स्टेटमेंट आपको फेयर में बनानी है. स्टेटमेंट में बहुत सिंपल है, इट्स लाइक नरेशन, यू हैव टू कॉपी द क्वेश्चन. ओके, तो स्टेटमेंट हम लोग एंड में एक साथ बना लेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है. मेन थिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस एरो. एरो इज द बेस स्ट्रक्चर. ये क्लियर हो गया? जैसे रेक्टिफिकेशन में मैं गया रॉन्ग रिवर्स करेक्ट, फिर रेक्टिफाइड तो क्या मैकेनिकल है, खाली नरेशन के साथ लिखना था फेयर प्रेजेंटेशन. वैसे ही ये रफ स्ट्रक्चर, ये मेन है. उसके बाद तो खाली क्वेश्चन छापना है, वो मैं बता दूंगा कैसे बनानी है स्टेटमेंट, वेरी सिंपल. ये एरोज अच्छे से सीख लो, एक साइड छोड़ देना, लीव वन साइड फॉर स्टेटमेंट. विल मेक ऑल द स्टेटमेंट्स टुगेदर. कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम ले लो. Second problem, some number. Some number है 19. Sum. Leave one side for statement. एक पूरा side छोड़ देना statement के लिए. अभी 19th sum ले लो. देखो क्या दिया. Bank balance as per cash book. Bank balance as per cash. This is a little complicated than the other chapters we've done. You feel that because it is the starting thing. Once you get a knack, it will become easier. Everything is difficult in the beginning. Bank balance as per cash book, it is 8,600. Okay. अभी बोलो मुझे. Cash book का balance दिया है, तो कौन सा balance ढूंढना है आपको? Debit balance है. डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बीआरएस फॉर द मंथ एंडेड 31st March 11. मार्च का डेटा है, तो कैश बुक का पता है. कैश बुक से क्या ढूंढना है? पासबुक बैलेंस. पासबुक. ओके, दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक. रेडी कर लो. पहला वाला पढ़ो, रीजन ऑफ डिफरेंस क्या हुआ था मार्च के महीने में. Checks of 4,000 issued but not presented for payment. सोचो कौन से बुक में एंट्री आया होगा, चेक इश्यू किया है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ. हमने फाड़ के चेक दे दिया है सामने वाले पार्टी को लेकिन सामने वाले पार्टी ने अभी तक बैंक को प्रेजेंट नहीं, तो कौन से बुक में एंट्री आई होगी? हेलो, कैश बुक. कैश बुक. कैश बुक में ही आया होगा, चेक डिपॉजिटेड है, चेक इश्यूड है. पैसा आया कि गया? गया. कैश बुक गोज डाउन, पासबुक रिमेन्स फ्लैट, क्योंकि पासबुक में अभी तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ. तो कहना है इसे कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन. यस, तो कैश बुक से पासबुक में जानने के लिए वॉट शुड आई डू? +4 or -4? Cash book to passbook, left to right. Plus. Why minus? देखो, दोनों 1 lakh पे थे. हाँ. फिर cash book से 4,000 चला गया. तो cash book balance became 96. Passbook balance is still 1 lakh. तो passbook balance is more ना than the cash book. क्योंकि यहाँ से पैसा गया, यहाँ से नहीं गया. तो इफ दिस इज 96, दिस इज 1 lakh. तो 96 प्लस 4 इज 1 lakh, राइट?
That's what we are trying to find out, month end ka balance. Month end ka balance agar yahan pe 8600 hai to yahan pe 12600 hoga na. Pehle dono 12600 pe the. हाँ. फिर यहाँ से 4000 चला गया तो ये अभी भी 12600 है और ये 8600 होता है. समझा? कुछ भी कभी भी अटकाना एरो में ये हैंड जेस्टर करके सोच लेने का, कौन सा बैलेंस ज्यादा है कौन सा कम है, दो सेकंड में आंसर है. ये हैंड जेस्टर समझ में आ रहा है लॉजिकल? हाँ. एक बुक में एंट्री आ चुकी है तो बैलेंस ज्यादा है, दूसरे में नहीं आई है तो बैलेंस कम है. देखो नेक्स्ट वाला देखो. बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ 200. बोलो बैंक डेबिटेड बैंक चार्ज ऑफ 200 कौन से बुक में एंट्री आई होगी? पासबुक में आई होगी. अभी सोचो पैसा आया कि गया? गया. पासबुक से 200 रुपया गया. क्या ये पैसा कैशबुक से गया है? नहीं. तो कैशबुक का बैलेंस ज्यादा होगा पासबुक से, है ना? 200 रुपया ज्यादा होगा कैशबुक का बैलेंस. तो कैशबुक का अगर 10,000 है तो पासबुक का 9,800 होगा. तो प्लस करना है कि माइनस? माइनस. ये दिख रहा है मैं लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा हूँ. एरो में लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मतलब माइनस, अपवर्ड मतलब प्लस. गॉट इट? ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड तो माइनस, माइनस 200. लॉजिकली भी सोच सकते हो, एरो को भी देख सकते हो, दोनों सेम चीजें बताएंगे आपको. थर्ड वन बैंक. ओके. चेक्स ऑफ 2800 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कौन से बुक में एंट्री आई है? सोचो. डिपॉजिट किया हुआ है चेक लेकिन क्रेडिट नहीं. सॉरी, कैशबुक. कैशबुक की पासबुक? कैशबुक. कैशबुक डिपॉजिट किया है. समझा इसका मतलब? हम लोग कैशबुक में एंट्री करते हैं बैंक टू पार्टी. कैशबुक में पैसे आ चुके हैं, कैशबुक में एंट्री आ चुकी है. बैलेंस गोज अप और डाउन इन कैशबुक? अप. कितना पैसा आया कैशबुक में? कितना पैसा आया कैशबुक में बताओ? 2800. डिड दिस मनी गेट गॉट रिसीव्ड इन द पासबुक, गॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक? माइनस 2800. नो. तो अब क्या हुआ इस भेदभाव से? कैशबुक अमीर हो गया, पासबुक गरीब रह गया. तो अमीर से गरीब पे जाना है तो क्या करोगे? लेस. माइनस. बर्थडे पाव खाना है को. पाऊ खाना 2800 मिला यहाँ पे, माइनस 2800. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, फोर्थ वन. चेक ऑफ 4000 बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन अवर बिहाफ 2500 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश. बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है, कितना? 4500. कौन से बुक में एंट्री आया होगा इस महीने में? 2000. Okay, 2500. पासबुक. पैसा आया कि गया? गया, गया. सिंपल बनिया लॉजिक. पैसा आया कि गया? गया. कितना? 2500. ये पैसा गया है कैशबुक से? गया है अभी तक? क्यों नहीं गया? अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. अगर रिकॉर्ड हो चुका होता तो बैलेंस्ड होता. अगर यहाँ पर भी जा चुका होता तो दोनों बैलेंस. तो नो नीड ऑफ इंक्लूडिंग दिस इन योर बीआरएस. सिंपल. सेम मंथ में रिकॉर्ड नहीं हुआ है इसलिए तो लफड़ा है. कैशबुक इज फ्लैट. आर यू एडिट दैट? कैशबुक में से नहीं गया, पासबुक में से गया. तो कैशबुक का बैलेंस इज मोर देन द पासबुक. कैशबुक से पासबुक पे अराइव करना है तो प्लस करना है कि माइनस? माइनस. लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड तो माइनस, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड तो प्लस. जाए छे कहीं कहीं भेजा मां थोड़ू थोड़ू लास्ट सम करता वधारे गयू. Next, bank credited interest on investment 1900 but not recorded in cash book. कौन से book में entry आई है? Passbook में entry आई है. पैसा आया कि गया? आया आया. पक्का? हाँ पक्का आया. आया तो cash passbook passbook goes up by 1900 right? Cash book में entry नहीं आई है तो cash book flat रह गया. Yes or no? अब क्या करना है? कैशबुक टू पासबुक जाना है. ऐड 19000 नहीं 1000 ऐड के माइनस वो पाइवट टिकट है. ऐड 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 ऐड. ये दो पॉइंट को कनेक्ट करो. कौन से दो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ? दिख रहा है ना ये फ्लैट से दूसरा वाला पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ. सो प्लस 1900. इज दैट क्लियर? प्लस 1900. इज दैट क्लियर? बस बनाइए टोटल कीजिए फाइनल आंसर. 9000. 9000.
पॉजिटिव 9000 क्या है ये 9000 बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बैंक बैलेंस इफ इट इज नेगेटिव देन इट विल बिकम ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट क्योंकि पॉजिटिव 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 खत्म होके ऑपोजिट साइड पे चला गया बैलेंस ज्यादा उस ऑपोजिट साइड मतलब समझो आपने पॉजिटिव 5 से चालू किया 4 3 2 1 0 होके इट बिकम -1 -2 -3 -4 तो रिसीट तो बंद हो गए ऊपर से पेमेंट चालू हो गया तो वो साइड दैट इज ओवरड्राफ्ट नेगेटिव है तो ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव है तो नॉर्मल चलो लास्ट सम ले लो फटाफट देन वी वाइंड अप फॉर द डे सम नंबर आई वांट यू ऑल टू टेक सम नंबर 21 21st सम जस्ट वेट वन सेकेंड Yeah, take this one. 20th sum le lo. 20. Sum number 20 you take. Sum number 20. 2020. Last sum. Videos on all of you. Puram, Vinisha, Hidushi. 20. Cash book shows a debit balance of 5,000 on 31st January 11. So it is bank balance or debit balance as per cash book, which is how much? 5,000. So we are moving from cash book to passbook. Ek side chhod dena last sum mein statement. Passbook showed 3,000. 20. 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 20
के बाद स्टेटमेंट के लिए एक साइड छोड़ देना, लीव वन साइड. अगेन कैश बुक टू पास बुक नॉर्मल बैलेंस, आर यू ऑल विथ मी यहां तक? ओके देखते जाओ. सबसे पहला, आउट ऑफ द चेक्स ऑफ 8,000 इश्यूड, चेक्स ऑफ 4,000 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st ऑफ जनवरी. तो बाकी फोर का क्या? It has been presented. तो इधर प्रॉब्लम एरिया क्या है? 4,000 की 8,000? Only four. You got that? What happened? 8,000 का चेक इश्यू किया था. तो यू कैन शो लाइक दिस. आई विल शो यू बोथ द मेथड्स. ध्यान से देखो. यू कैन शो लाइक दिस. 8,000 इश्यू किया था तो कैश बुक वेंट डाउन बाय 8. पैसा गया. पासबुक में भी कितना प्रेजेंट हो गया सेम मंथ में? 4. तो पासबुक भी नीचे गया है 4,000 से. यस, कैशबुक में से तो गया 8,000 इश्यू किया है, पासबुक से भी गया है 4,000. तो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो प्लस 4 आएगा. ये दो पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो प्लस 4 आ रहा है डिफरेंस, द गैप 8 minus 4, 4,000. या फिर अनदर वे ऑफ डूइंग, क्या सोचने का कि 4,000 से तो दोनों नीचे गया है, 4,000 से तो दोनों नीचे गया है, कैशबुक भी पासबुक तो नॉलिफाइड. तो नेट 4 से खाली कैशबुक को नीचे लेके जाओ और पासबुक को फ्लैट रखो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा 4,000. करेक्ट, समझा क्या हुआ? 8,000 के चेक्स में से 4,000 के क्लियर हो गए, जो क्लियर हो गए उसको इग्नोर कर दो, जो नहीं हुआ वही लफड़े वाला है. तो कैशबुक गोज डाउन लेकिन पासबुक रिमेन्स फ्लैट, सेम मंथ में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए वो चेक्स. समझा? All of you got that? Answer is same. कोई भी method करो, ये working note है, ये working note है. कोई भी method करो, arrow का चलेगा, दोनों right है. Okay? Either this or this. Okay? मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, नहीं तो वापस दो दो बार दो दो चीज देखोगे, confuse हो जाओगे amount calculation में. तो एक method रख रहा हूँ, दूसरा method से किया तो भी problem नहीं है. Answer plus या minus ये correct होना चाहिए आपका. Arrows को मारो गोली, arrows का कोई marks भी नहीं है वैसे. प्लस या माइनस, अल्टीमेट टारगेट शुड बी प्लस या माइनस. मेंटली कर सकते हो अगर प्लस या माइनस तो भी चले, प्लस या माइनस राइट होना चाहिए. ओके, बैलेंस ज्यादा है तो माइनस, बैलेंस कम है ये बुक का तो प्लस, ऐसे भी कर सकते हो. बैंक कमीशन 75 डेबिटेड इन पासबुक ओनली, बोलो कौन से बुक में एंट्री आई है? बैंक कमीशन 75 डेबिटेड इन पासबुक ओनली,
पासबुक में कुछ डेबिट हुआ है, पैसा आया कि गया? आया गया गया। पासबुक में डेबिट किया है, अभी अभी बोला मम्मी पापा का पासबुक डेबिट देख के खुश मत होना। अरे गया गया गया। रोज मम्मी पापा का पासबुक देखो, डेबिट हुआ है बोलो, पैसा जाए छे, सेविंग करो, मैंने भणवो छे आगे। तो इधर डेबिट करो तो पैसा गया गया बेटा गया। कितना गया? 75। कैश बुक से गया है, जाना चाहिए था सेम मंथ, जाना चाहिए था कि नहीं? हाथ में होता तो नहीं। अरे मुझे सोच के बोलो, कोई एंट्री अगर पासबुक में आई है तो क्या कैशबुक में आनी चाहिए सेम मंथ में? हाँ आनी चाहिए, लेकिन हुई है यहाँ पे नहीं, इसलिए ये फ्लैट है, समझा? सेम मंथ में आ चुकी होती तो there would be no sum, no difference, no need of BRS। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस? माइनस 75। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? लॉजिकली सोचने का, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है ना पासबुक से, पासबुक से जा चुका है, कैशबुक का ज्यादा है तो कैशबुक टू पासबुक तो माइनस, कैशबुक का ज्यादा है पासबुक का कम है, माइनस। ट्रांसफर 2000 फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू करंट अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड। फिक्स्ड डिपॉजिट टू करंट, अपना कौन सा बैंक अकाउंट रहता है यहाँ पे? करंट। तो पैसा आया कि गया करंट में? आया। अब सोचने का, एफडी टू करंट, ये पहला कौन किया रहेगा, किसको पता चला रहेगा? पासबुक। बैंक को पता चला रहेगा कि अपने को पता चला रहेगा? बैंक वुड कम टू नो, बैंक ही ट्रांसफर करेगा। तो कौन से बुक में एंट्री आई है? पासबुक में आई है। हिंट नहीं देंगे, आपको पकड़नी है। बैंक कुछ करता है तो पासबुक में एंट्री आई है, हम कुछ करते हैं तो कैशबुक में एंट्री आई है। हम क्या करते हैं? हम तो खाली चेक डिपॉजिट करते हैं और चेक इशू करते हैं, बाकी सब बैंक ही करते हैं मेजोरिटी। तो पासबुक में एंट्री आई है, ये समझ में आई? ऊपर गया कि नीचे? दैट नॉट रिकॉर्डेड पासबुक फॉर कैशबुक। सॉरी, दैट नॉट रिकॉर्डेड वर्ड्स आर फॉर कैशबुक। हां, बट नॉट रिकॉर्डेड वर्ड्स आर फॉर कैशबुक, क्योंकि बैंक हैज डन दिस ट्रांजैक्शन। तो पहला एंट्री पासबुक में तो आया ही है। ओके, तो वो ऐसा सोच लेने का कि बैंक ने किया तो पासबुक में आया, हमने किया तो कैशबुक में आया। अब पासबुक में आया तो पासबुक ऊपर गया कि नीचे, पैसा आया कि गया? फटाफट फटाफट आया। आया कितना आया? 10,000 2,000 2,000 2,000। What about cashbook? Cashbook is flat, arrow moves upward, left to right, plus or minus? Plus. बैंक का बैलेंस ज्यादा है, हमारा बैलेंस कम है, हमारे से वहां पे जाना है तो प्लस करके ही जाएंगे, प्लस करेंगे तो उसका बैलेंस मिल जाएगा। चेक ऑफ 4,500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। कैशबुक में एंट्री आई है कि पासबुक में? कैशबुक में। अप और डाउन? अप बाय हाउ मच? 4,500। व्हाट अबाउट पासबुक? इट विल बी डाउन। फिलहाल फ्लैट, एंट्री आई नहीं है, नॉट क्लियर्ड। यार तो ये फ्लैट ही है ना ऐसा, पासबुक में कोई ऊपर नीचे वर्टिकल एरो नहीं है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहे हो तो क्या करना है, माइनस या प्लस? माइनस। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड इज माइनस, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड इज प्लस। लॉजिकली सोच सकते हो, दोनों बुक है, कैशबुक में चेक आया, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस कम, ये ज्यादा ये कम, कैशबुक से पासबुक पे जाना है तो माइनस। समझ में आ रहा है? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड प्लस, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड माइनस, सिंपल। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक दो रिकॉर्डेड इन पासबुक फेल टू बी रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कौन से बुक में एंट्री आई है? पासबुक। अप और डाउन? अप बाय 650। समझा सबको, डिविडेंड पैसा इनकम कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ है नहीं, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड तो प्लस 650, बैंक का बैलेंस ज्यादा है हमारा कम है, इस पे अराइव करना है तो प्लस करो। फाइनल आंसर 5,497,775 पॉजिटिव। यस, विल यू राइट योर बैंक बैलेंस एज पासबुक। ये आपका बैलेंस आपको मिल गया जो प्रैक्टिकली आपके सामने होता है। बोलो, गयू भेजा माँ,
BRS કેવી રીતે બનાવવાનું. Anyone finding completely bouncer? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. थोड़ा थोड़ा जाएगा, आगे आके क्लियर होएगा. कंप्लीटली नॉट अंडरस्टूड है ना, ऐसा कोई है? समझ रहा है अभी एरोस कैसे करना है? थोड़ा थोड़ा दोनों बुक में से कौन से बुक में एंट्री आया, पैसा आया कि गया. इधर आया वो बुक का बैलेंस ज्यादा है, वो बुक से दूसरे बुक पे जाना है तो माइनस. ओके okay? दूसरे बुक में आया, इस बुक का कम है तो यहां से वहां जाना है तो प्लस. ऑलवेज मूव फ्रॉम टू राइट. ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है तो प्लस, डाउनवर्ड है तो माइनस. ये समझा? और ये वर्टिकल एरोस क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये समझा? वर्टिकल एरोस पैसा आया कि गया, आया तो ऊपर गया तो नीचे, जो बुक में है वो बुक में. सॉर्टेड. तो आज काफी है, नो होमवर्क इन BRS. विल कंटिन्यू द प्रॉब्लम्स. एक साइड छोड़ देना स्टेटमेंट के लिए, कल कंटिन्यू करेंगे. तो रुको, अदरवाइज यू कैन बी प्रैक्टिकल.